कि कोडरमा से निकलकर नीदरलैंड पहुंचे कोडरमा के ही एक युवा वहां जाके विधायक भी बन चुके हैं। अब 6 साल बाद अपना मुल्क लौटे हैं, रह रहे हैं नीदरलैंड में रह रहे हैं, तो कितना मिस करते हैं आप भारत? बहुत बहुत ज़्यादा। वर्ल्ड कप का मैच भी है जी। आप पहले भारत मुल्क के नागरिक थे, अब नीदरलैंड मुल्क के नागरिक बन गए, दोनों का मैच है। आपका सपोर्ट किसके तरफ है? देखिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, पॉसिबल सबके लिए है, कोई भी जिसके अंदर में चाहत है वो कर सकते हैं ये इस सफ़र को। मेरी चाहत जो है हमेशा शुरू से इसी चीज़ में रही कि लोगों के लिए कुछ करना है, आगे बढ़ना है यहाँ से बाहर, क्योंकि यहाँ पर साधनों की कमी थी, इस वजह से हम लोगों को मजबूरन जो है बाहर निकलना पड़ा। लेकिन अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का इनिशिएटिव लिया जाए कि यहाँ पर ही लोगों को बाहर जाने का हमारे जैसा जरूरत ना पड़े। बिहार मैच आबाज आप देखना शुरू कर दिए हैं द न्यूज़ खजाना, वो एक ऐसा स्टोरी दिखाने जा रहा हूँ कि कोडरमा से निकलकर नीदरलैंड पहुँचे कोडरमा के ही एक युवा वहाँ जाके विधायक भी बन चुके हैं, और तो उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि कोडरमा से नीदरलैंड का सफ़र कैसा रहा, किस तरह से आप वहाँ पहुँचे और क्या क्या आप अचीवमेंट किए हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं साजिद जी, तो न्यूज़ खजाना की ओर से सब शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद धन्यवाद। नीदरलैंड का सफ़र कोडरमा से कैसा रहा, थोड़ा उसके बारे में बताइए सर। कोडरमा से जो सफ़र रहा नीदरलैंड का, वो काफ़ी मुश्किलों भरा सफ़र था, आसान तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, पॉसिबल सबके लिए है, कोई भी जिसके अंदर में चाहत है वो कर सकते हैं इस सफ़र को। मेरी चाहत जो है हमेशा शुरू से इसी चीज़ में रही कि लोगों के लिए कुछ करना है, आगे बढ़ना है यहाँ से बाहर, क्योंकि यहाँ पर जो है संसाधनों की कमी थी, बिल्कुल। तो इस वजह से हम लोगों को मजबूरन जो है बाहर निकलना पड़ा। लेकिन अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का इनिशिएटिव लिया जाए कि यहाँ पर ही लोगों को बाहर जाने का हमारे जैसा जरूरत ना पड़े। संसाधनों के अभाव में आप बाहर गए जी, तो सबसे पहले जानेंगे आप कोडरमा में से ही पढ़े हैं, तो कैसे शिक्षा ग्रहण किए, कहाँ सीखे उसके बारे में? कोडरमा में तो मेरा बिल्कुल नॉर्मल शिक्षा रहा, जैसे यहाँ पर कुछ बड़े स्कूल या कॉलेजेस नहीं हैं, जो अवेलेबल था उस समय जेजे कॉलेज में से मैंने पढ़ाई करी अपने स्नातक की। उसके बाद जो है मैं यहाँ से दिल्ली चला गया कुछ पढ़ाई करने, और कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से फैमिली में मैं वापस आ गया। वापस आने के बाद काम करना शुरू कर दिया यहाँ पर, तो जॉब के सिलसिले में मुझे एक मेरा पुराना दोस्त था, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ आ जाओ माइंस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, चूँकि कम्युनिकेशन स्किल मेरा ठीक था उस समय, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हम लोग शुरू करे यहाँ से। तो कभी चाइना जाना हुआ, कभी जर्मनी जाना हुआ, तो जर्मनी जब गए तब पता चला कि ये तो कुछ नया दुनिया है। अच्छा, यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे जो है गेम जो भी हो रहा है सोसाइटी के अंदर में इट्स फेयर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और है ना, तो इस वजह से मुझे लगा कि वहीं यहाँ पे रहने का लिए बहुत अच्छा जगह है, मतलब हर एक मामले में, सोसाइटी के मामले में या नेचर के मामले में या फिर पढ़ाई के मामले में, मुझे लगा कि नहीं मेरे बच्चों को जो है उससे अच्छा एजुकेशन, उससे अच्छा फैसिलिटीज़ मिले, इस वजह से आई ट्राई टू सेटल डाउन इन यूरोपियन यूनियन। नीदरलैंड और भारत में आपको क्या विशेषता लगी, जो आपको भारत में मिल रहा था वो नीदरलैंड में नहीं मिल पाया, और नीदरलैंड में जो मिल रहा था वो भारत में नहीं मिल पाया? जी बहुत बहुत अच्छा सवाल है, इसमें मैं तो किताब लिख सकता हूँ, लेकिन मैं संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूँगा कि नीदरलैंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे आप देखिए फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, हॉस्पिटल, पढ़ाई, है ना, पुलिस, सिक्योरिटी, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से तरीके से जो है उसको प्लान तरीके से किया गया है। भारत में क्या है कि जब से मतलब है तो सब वही व्यवस्था, लेकिन चूंकि पॉपुलेशन हमारा ज़्यादा है, एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो है वो कम है, तो इस वजह से इसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये एक कमी मुझे लगता है। दूसरा जो कमी मुझे नीदरलैंड में लगता है वो ये है कि यहाँ पर देखिए, जैसे मैं अपने गांव अभी इतने 6 साल के बाद आया, लेकिन किसी भी तरीके का बदलाव मुझे नहीं नज़र आया, इन द सेंस ऑफ कि हॉस्पिटैलिटी, लोगों का जो वार्म लोग हैं कि मिलना आना, मैं रोज़ किसी के घर में जो है हमारी जो है दावत चल रही है कि आज हमारे यहाँ ये दोस्त यार हैं, तो मैं उसी के लिए यहाँ वापस आया घूमने के लिए,
तो नीदरलैंड में हमारे लोगों के पास समय कम, और जो है वो समय कम होने के वजह से क्या होता है कि लोगों के बीच की दूरियां जो है वो थोड़ा बढ़ जाती। तो ये यहाँ पे नहीं, यहाँ आज भी भाई भाई साथ में रह रहे हैं, यहाँ जो है फैमिलीज़ जो है वो जॉइंट फैमिलीज़ है, वहाँ पे क्या है कि सब न्यूक्लियर फैमिली है, सब अपना 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 जी रहे हैं। तो यही एक मेजर जो डिफरेंस मुझे नज़र आता है। चुनाव जीते वहाँ, तो चुनाव और राजनीतिक में जाने की कहाँ से सोच हुई और कैसे, उसके बारे में बताएं। राजनीतिक जो मेरा जो बिगनिंग हुआ वो कॉलेज में, यहाँ जेजू कॉलेज में जब मैं पढ़ाई कर रहा था इंटर, उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे हमारे कॉलेज में, जिस वजह से हम स्टूडेंट्स को बहुत सारी परेशानियाँ थी। तो उनको दूर करने के लिए मैंने कुछ प्रोफेसर से बात करी, तो वो रिस्पांस जो है जो जो सॉल्यूशन था वो नहीं मिल पा रहा था, वो लोग उस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे कि हाँ ठीक है देखेंगे करेंगे होगा, तो सही तरीका नहीं मिल पा रहा था कि कैसे, जैसे पीने का पानी नहीं है कॉलेज में अवेलेबल, या फिर बच्चों के लिए अच्छा फैसिलिटी नहीं है, प्रोफेसर्स नहीं आ रहे। तो ये मुझे हमेशा ये लगता था कि इसके बारे में कुछ करना चाहिए। तब मैं अपने सीनियर से बात करी तो उन्होंने बताया कि देखो स्टूडेंट पॉलिटिक्स नाम का चीज़ है, उसमें तुम खड़े हो तो तुमको जो है तुम्हारी आवाज़ को जो है ताकत मिलेगी, इस वजह इससे आप कुछ चेंजेस ला सकते हैं। तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि अच्छा ऐसा होता है। उसके बाद जब मैं नेदरलैंड्स गया, नेदरलैंड्स जाने के बाद वहाँ लाइफ अच्छी चल रही थी, मेरे बच्चे हो गए, सब होने के बाद फिर लगा नहीं, सोसाइटी में अभी भी कुछ जो है कमी है, उसको चेंजेस को लाना। जैसे दुनिया अभी बदल रही, क्लाइमेट चेंजेस आ रहा हो रहा है, सबको इससे वाकिफ है, लेकिन इनिशिएटिव कोई नहीं ले रहा है। मुझे करना है, मुझे इसको चेंज करना है, इसका इनिशिएटिव नहीं है। तो अगर हर कोई ये सोच के बैठ जाए कि हाँ भाई सरकार करेगी या कोई और करेगा, तो वो सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा। तो इसलिए लगा कि नहीं, अब इट्स टाइम टू टेक द पावर बैक। तो उसके लिए मैंने बात करा कि वहाँ मैं जिस पार्टी से जुड़ा उसका नाम है ग्रीन लेफ्ट, डच में उसको बोलते हैं ग्रून लिंक्स। तो उस पार्टी का जो मोटिव है वो दे वर्क फॉर द एनवायरनमेंट, मतलब जो कि हमको ग्रीन, हाँ ग्रीन एनवायरनमेंट चाहिए, और लेफ्ट विचारधारा के साथ कि सोशल रहना है और है ना जो समाज के लिए काम करना है। तो मुझे उनका मोटिव बहुत अच्छा लगा, मैं उनके साथ जुड़ गया। फिर धरना प्रदर्शन या कोई भी किसी भी तरह का प्रोग्राम जो था वो हम लोग करना शुरू करे। उसके बाद क्या हुआ कि 3 साल उनके साथ काम करने के बाद उन लोगों ने कहा कि विधानसभा का जो जिसको हम लोग टाउन काउंसिल बोलते हैं वहाँ पे, उसका चुनाव आने वाला है, तो वी वुड लाइक टू नॉमिनेट यू फॉर द इलेक्शंस। तो थोड़ा मैं सक पकाया, लेकिन लगा कि नहीं, यू गेट ओनली वन चांस इन लाइफ, तो आपको जो है ये चांस ग्रैब करना चाहिए। तो मैं घर पे डिसाइड करके तैयार हो गया। इट वाज ओनली ट्रायल पर्पस कि हाँ बस देखेंगे क्या होता है, देखते हैं। लेकिन मेरी बातों से लोग कन्विंस हुए वहाँ पे, और जो है मुझे बहुमत के साथ वोट मिली और मैं चुनाव जीत गया। यानी जो आप पॉलिटिक्स जे कॉलेज झुमरी दिलैया से शुरुआत किए, उनका मुकाम नीदरलैंड में जाके में जा करके पूरा हुआ। जी बिल्कुल, अभी और आगे जाना है, और आप लोगों की दुआ से जो है वो और ऊपर जाना है। नेक्स्ट ईयर और इलेक्शंस आने वाले हमारे यहाँ, तो उसमें भी जो है कोशिश रहेगी कि आगे बढ़ने का मौका मुझे मिले। क्या आपको चेंजेस लगता है, भारत में भी सरकारें चलाती है, वहाँ भी सरकारें चलाती है, तो किस तरह काम रहता है, दोनों में क्या अंतर देख पा रहे हैं? आप यहाँ भी देख चुके हैं और वहाँ खुद आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चला रहे हैं। जी नहीं, पहला पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि मैं जब यहाँ आया तो लोग बोले कि अच्छा आप विधायक हैं, आपका गार्ड नहीं दिख रहा है, आपका गाड़ी नहीं दिख रहा है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर तो देखिए विधायक बनते हैं तो काफिला निकलता है, गाड़ी निकलती है, गार्ड्स रहते हैं आपके साथ। तो मैंने कहा कि देखिए इस वजह से, चूँकि जो नेता होता है या जो हाई, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई इस तरीके का है, लेकिन जो एक मेजॉरिटी बन चुका है कि हमारे जो बड़े लोग हैं जो जो पावर में हैं, वो पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, पावर को गाड़ियों में गार्ड्स में। अगर आपको खुद विधायक होकर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ रही है तो आम पब्लिक कहाँ जाएगा? हमारे नेता जो है नेदरलैंड्स के मार्क रूटा जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो साइकिल से जाते हैं पार्लियामेंट। जी मैं खुद साइकिल से अपना विधानसभा जाता हूँ, हमें कोई सिक्योरिटी। हमारा सोच ये है कि अगर मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ रही है तो पब्लिक तो फिर अनसेफ है, मतलब हमारे अंदर में कुछ गलती है,
तभी हमें सिक्योरिटी की और ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। आप कभी देखिए, मेरा बच्चा जो स्कूल में जाता है, मेरे जो आम जनता है उनका बच्चा भी सेम स्कूल में जाता है, तो ये जो डिफरेंस है उसको हमें मिटाना होगा कि जो बड़े लोग हैं और छोटे लोग हैं, जो बिल्कुल इकोनॉमिकली भी, पावर के ये से भी। और एक तीसरा चीज़ मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, रिस्पेक्ट हमारा प्राइम मिनिस्टर का भी उतना ही है, एक हमारे जो सफाई कर्मचारी उनका भी उतना ही है। दे ऑल आर वर्किंग फॉर द सेम कॉज, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ा जो बोलते हैं हिपोक्रेसी, वो थोड़ा सा नज़र आता है। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जब सिटीजनशिप ले रहे होंगे तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो कैसे मिला? क्या भारत में लेने के लिए लोग को काफ़ी टाइम लग जाता है, तो वहाँ कैसे मिला आपको? नहीं, वहाँ का जो प्रक्रिया है कि आपको 3 साल देश में रहना होगा, देश के बारे में एक एग्ज़ाम होता है। अच्छा, जिसमें, जी हाँ, 5 पेपर के एग्ज़ाम होते हैं, लैंग्वेज का, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और जो नॉलेज ऑफ द सोसाइटी है, तो वो देना पड़ता है। एग्ज़ाम में आपका 8 नंबर आएगा, 10 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 8 आ गया तो आप क्वालिफाई कर गए, तो मेरा 9 आ गया था उसमें, दैट वाज इनफ टू क्वालिफाई। उसके बाद प्रोसेस दिया, तो राजा के द्वारा फिर आपको जो है दिया जाता है एक लेटर कि आप, या तो यही एक चीज़ था। अच्छा, अभी वहीं आप शादी किए हैं, तो कैसा फैमिली बिहेवियर होता है? यहाँ सब देखते होंगे कि ज्वाइंट फैमिली में ज़्यादातर लोग रहते हैं, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? फैमिली तो बिल्कुल अभी का जो मॉडर्न लड़का लड़की है, जिनका सोच है, मॉडर्न सोच है कि हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, मेरी बीवी भी जॉब करती है, मैं भी जॉब करता हूँ, और तो यही है, कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ से और वहाँ के अंदर। आप 6 साल बाद अपना मुल्क लौटे हैं, बाकी आप नीदरलैंड में रह रहे हैं, तो कितना मिस करते हैं आप भारत को? बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ मैं। इसी वजह से जो है टाइम निकाल के आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू न्यूयॉर्क, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को छोड़ के मैं यहाँ आया, ये चूज़ करा, क्योंकि जिस जगह से आप जुड़े हुए होते हैं वो आपको ज़मीन से जोड़े रखता है। बिल्कुल, तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि अभी इस पैदान पे जो है यहाँ आना, यहाँ के लोगों से मिलना जुलना, खाना बहुत मिस करता हूँ मैं यहाँ का। अच्छा। तो ये जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिस तो होती ही हैं लाइफ में। बचपन गुजरा आपका? बचपन गुजरा, जी बिल्कुल, मैं यहीं पे खेलता रहता था और यहीं पे हमारी जवानी बीती, तो इसको तो कभी मिटाया नहीं जा सकता है। जब आप अपने दोस्तों से मिल रहे होंगे तो कैसा फील होगा? बहुत बहुत, मैं बहुत खुश था, बहुत खुश था, और अभी भी खुश हूँ। अभी थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि वापस जाना है, इसको फिर वापस जाने का टाइम आ गया, तो इट्स ऑलवेज टू शॉर्ट, बोलते हैं ना कि अच्छा टाइम जो है बहुत जल्दी निकल जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ करके, डेवलपमेंट इतना मैंने देखा कि नेशनल हाईवे इतने बड़े पैमाने पर इस पर काम चल रहा है, बहुत अच्छी अच्छी जगह पर जा रहे हैं हम। एक सवाल है, वर्ल्ड कप का मैच भी है, जी, आप पहले भारत मूल के नागरिक थे, अब नीदरलैंड मूल के नागरिक बन गए, दोनों का मैच है, जी, आपका सपोर्ट किसके तरफ रहेगा? देखिए, ऑनेस्टली बताओ तो मैं दोनों में खुश हूँ। दोनों में खुश हूँ, जी 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 जी, कोई भी जीते आई एम हैप्पी, क्योंकि ये जो है ना, जैसे दो भाई आपके खेल रहे हैं, कोई भी जीत जाए तो आई विल बी हैप्पी, अगर इंडिया जीते तो भी मैं खुश हूँ, नेदरलैंड्स जीते तो भी जरूर मैं चाहूँगा कि नेदरलैंड्स आगे बढ़े और आगे और आए, क्योंकि वो थोड़ा सा लोअर मिडिल टीम है अभी क्रिकेट में, लेकिन काफ़ी अच्छा कर रही है अभी। जी, जी, जी। अभी हाल ही में पिछले मैच में साउथ अफ्रीका को हराया है। जी 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 जी, बहुत खुशी हुई है मुझे ये जान करके, और मैं उन प्लेयर से भी मिलूँगा वापस जा करके, तो आई रियली अप्रिशिएट वॉचिंग क्रिकेट। आपका फेसबुक पेज देख रहा था, तो वहाँ आप हॉकी से रिलेटेड बहुत सारे प्लेयरों से मिले हैं, जिनका फोटो देखा, वो क्या था? जी, मैं हॉकी, इंडिया हॉकी के साथ 2014 से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। जब वो FIH खेल रहे थे एंटवर्प बेल्जियम में, तो टीम को मैनेज करना, उनका सारा कुछ पूर्ति कराना वो मेरा काम था, तो उनके साथ रहते रहते हमारी दोस्ती होगी। अब कप्तान जो हैं इंडिया के टीम, और जब टीम कहीं भी जाती है यूरोप में खेलने के लिए, तो मैं उनके साथ रहता हूं, और बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ, एक लोकल हजारीबाग का प्लेयर है, गोलकीपर पंकज, पंकज रजक, वो मेरे साथ आए, तो मैं बहुत खुश हुआ वहाँ की कि इतने छोटे से जगह से आप उठ करके हॉकी खेले, तो इट ऑलवेज फैसिनेट्स मी
कि इतने इतने छोटे छोटे गांव से, सुंदरगढ़ से अमित रोहित दास निकले, अभी उन वो जो है गोल्ड लेकर के आए एशियन गेम्स में। तो मतलब मैं इतना खुश होता हूँ और इतना ज़्यादा फैसिनेट होता हूँ, मैं आपको अभी बोलते बोलते देखिए मेरा जो है वो रोंगटा खड़ा हो जाता, क्योंकि वो उसको मेहनत उन्होंने दुनिया में अपना एक मकाम बनाया। और मैं चाहूँगा कि यहाँ के लोग भी आगे आए, अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डाले, वो दुनिया में हमें भी अपना नाम बनाना है, मुझे इससे बहुत खुशी मिलती है। एक सवाल रहेगा, आप नीदरलैंड भी घूम लिए और भी दुनिया में घूमे हैं, भारत के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? भारत के युवाओं को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि एक तो पहला स्पोर्ट, एक स्पोर्ट तो आप खेलिए, कुछ भी हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो या फुटबॉल हो, एक स्पोर्ट। मैं अभी जब से आया हूँ तो एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ के लोग बच्चे, खास करके टीनेजर्स, वो अपना समय मोबाइल में बिता रहे हैं कि मोबाइल मोबाइल मोबाइल, वो आपको कहीं भी नहीं ले जाएगा, ना आपका स्वास्थ्य में कोई आपको हेल्प करेगा, ना ही आपको जो है आपकी ब्रेन डेवलपमेंट में कोई आपको हेल्प करेगा। स्पोर्ट जो है वो आपको हर एक चीज़ में मदद करेगा, ब्रेन डेवलपमेंट हो या फिर आपका हेल्थ डेवलपमेंट हो। तो हम लोग नीदरलैंड्स में भी एक स्पोर्ट ब्लाइड लाए हैं, स्पोर्ट लॉ लाए हैं कि बच्चों को 3 घंटा मैक्स मिनिमम वो खेलना है पर वीक। उससे क्या होता है कि हेल्थ जो है वो अच्छा रहेगा आपका, हेल्थ जब अच्छा रहेगा तो आप पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे। तो हेल्थ इज़ द मेजर पार्ट टू ग्रो अप। तो मैं यही युवाओं को मैसेज देना चाहूँगा कि खेलिए और खुल के खेलिए और जो है आगे बढ़िए, देश में बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ सीखने को है, पढ़िए। न्यूज़ खजाना के जो व्यूवर हैं उसको क्या बोलना चाहेंगे आप? जी मैं बोलना यही चाहूँगा कि वर्क फॉर योरसेल्फ और अपने आसपास के लोग, समाज के लिए काम करें, खास करके अभी क्लाइमेट चेंज का टाइम है, अब देख रहे हैं कि गर्मी इतनी बढ़ रही है, तापमान इतना बढ़ रहा है, तो प्लीज़ वर्क फॉर द ग्रीन। एक पौधा लगाएं, कम से कम एटलीस्ट एक पेड़ लगाएं, अपने ग्रीनरी को बचाएं, आने वाले समय में इसकी ज़रूरत हमें बिल्कुल पड़ेगी और हमारे आने वाले पीढ़ियों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप देख ही चुके हैं कोविड के समय ऑक्सीजन का क्या हाल था, तो उससे बचने के लिए जो है हमें अभी से उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। हर एक सिटीजन को अपना दायित्व लेना होगा कि हमें, आप सरकार के ऊपर हर चीज़ नहीं छोड़ सकते, हमें खुद भी जो है संकल्प लेना होगा कि हम अपनी ग्रीनरी को बचा के रखें। झारखंड ऐसे भी ग्रीन नेचर के लिए जाना जाता है, तो उसको हमें संरक्षित करके रखना होगा, बचा के रखना होगा और वो बिल्कुल उस पर एक एक पौधा, एक एक पेड़ अपने घर में लगाएं, वो हमें ही छाया दे। इनके लिए अलग अलग योजनाएं लेके आ रही है झारखंड। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसको हमें सपोर्ट करना होगा, सरकार फोर्स करके कोई काम नहीं कर, जब तक पब्लिक खुद इनिशिएटिव नहीं लेंगे, हम खुद इंटरेस्ट नहीं लेंगे, उस पौधे में पानी नहीं डालेंगे, कम से कम एक एक पौधा अडॉप्ट करिए, उसको जो है उसका देख रेख करना, सब कुछ करना, तो इट विल हेल्प। तो ये थे हमारे साथ साजिद जी, जो इंडिया से नीदरलैंड गए, लेकिन ये चाह रहे हैं कि मेरे तरह कोई दूसरे युवा भारत छोड़ के जाने के लिए मजबूर ना हो। वीडियो में कैसा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जोहार।